नमस्कार दोस्तों, इनको तो आप जानते ही होंगे, ये हैं अंकुर वारिको। इनकी एज 43 इयर्स और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा ही और भी चर्चा में आ गए, क्योंकि इन्होंने 43 इयर्स की एज में अपनी बॉडी को यहां से यहां पे कन्वर्ट कर लिया गया। और जब इसे पूछा गया कि क्या इन्होंने टेस्टोस्टेरोन या फिर स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल किया, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। और इनफैक्ट उन्होंने ये बोला कि मुझे तो गूगल करना पड़ा ये जानने के लिए कि ये सब चीजें होती क्या हैं। दोस्तों, मैंने अपने मनोज बाजपेयी वाले वीडियो में भी बताया था कि इस तरीके की जो बॉडीज अचीव की जाती हैं वो बिना स्टेरॉइड्स के पॉसिबल नहीं होती हैं। ये अपने बारे में खुद बताते हैं कि 30-32 साल की उम्र में ये कितने मोटे थे, किस तरीके के थे, अनहेल्दी खाते थे, और उसके बाद अभी आके इन्हें ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि इनको बॉडी ट्रांसफॉर्म करनी चाहिए। यहां पर मैं ये बता देना चाहता हूं कि ना तो इनके जेनेटिक्स इतने अच्छे हैं कि ये पहले से ही अपनी जवानी में, अपनी यंग एज में बहुत ज्यादा बॉडी बिल्डर टाइप या फिर मस्कुलर रहे हों। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो अगर वो जिम जाते हैं, कई सालों से जा रहे होंगे, तो वो मेरी इस बात से जरूर सहमत होंगे कि इस तरीके की बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन ईजी नहीं है, या फिर अगर मैं ये कहूं कि पॉसिबल ही नहीं है बिना स्टेरॉइड्स के, तो वो बिल्कुल सच होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद इनको डिफेम करना नहीं है, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इस चीज से जागरूक हो, क्योंकि आजकल प्रेशर आता है बॉयज के ऊपर और मेन के ऊपर कि वो अच्छा दिखें, और उस अच्छा दिखने में अच्छी बॉडी का होना एक बहुत जरूरी सी बात हो गई है आजकल। अगर आप अपना ध्यान पुराने एक्टर्स की तरफ लेके जाएं, जो मेल एक्टर्स होते थे, उनकी कोई भी किसी भी किस्म की बॉडी नहीं होती थी, लेकिन आजकल फिल्मों में ये एक फैशन सा है कि जो मेल एक्टर है उसकी बॉडी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी पिक्चरों में तो चाहे अमिताभ बच्चन हो, धर्मेंद्र हो, जितेंद्र हो, कोई भी हो, वो अपने विलेन वगैरह की जो गुंडों की पिटाई बड़ी आसानी से कर देते थे और उनकी कोई बॉडी भी दिखाई नहीं जाती थी। और बॉडी बिल्डिंग में जो स्टेरॉइड्स का यूज है वो बहुत बेयर मिनिमम था, कम से कम इंडिया में तो बहुत ही कम था, क्योंकि उस जमाने में दारा सिंह जैसे लोग जो थे वो शेयर स्ट्रेंथ और रॉ पावर के ऊपर अपना काम करते थे। उस टाइम पर ये इस टाइप की फिजिक जो है वो होती ही नहीं थी, अभी देखने को भी नहीं मिलती थी। दोस्तों, चाहे वो आमिर खान हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, या फिर कोई भी एक्टर हो, जब वो अपनी बॉडी बनाते हैं इतने शॉर्ट टाइम में किसी एक पर्टिकुलर मूवी के कैरेक्टर के लिए बनाते हैं, और उसके बाद वो बॉडी उनकी वैसी नहीं रहती, वो एकदम नॉर्मल इंसान हो जाते हैं बहुत ही जल्दी, जब उन स्टेरॉइड्स का जो इफेक्ट है वो खत्म हो जाता है और वो अपने रेगुलर रूटीन में आ जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वो अनफिट हो जाते हैं, लेकिन हाँ, उस तरीके की जो, उस लेवल की जो बॉडी है, डेफिनेटली वो काफी हद तक कम हो जाती है। इन्हीं एक्टर्स को अपने वो पर्टिकुलर बॉडी बिल्डिंग वाले रोल के बाद अगर आप देखें तो वो एकदम नॉर्मल लुक में आ चुके होते हैं। और अगर इन्हीं एक्टर्स की बात की जाए कि इनकी जवानी में, इनकी यंग एज में ये किस तरीके के दिखते थे, तो वो आपके सामने ही है कि आप देख सकते हैं कि इतने ज्यादा बॉडी बिल्डर नहीं थे, तो सडनली अब 2020s में आके एकदम से इनकी बॉडी ऐसे चेंज कैसे होने लगी, क्योंकि ये उनका रोल डिमांड करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कहना ये चाहता हूं कि इस अच्छे दिखने की दौड़ में ना भागें और एक हेल्दी रहने की कोशिश करें, और जरूरी नहीं कि फिट रहें। यहां पर मैं आपको बता दूं कि हेल्दी और फिट में फर्क क्या है। फिटनेस जो है वो एक लुक के ऊपर, फिजिकल लुक्स के ऊपर ही डिपेंड रहती है कि आपकी मस्कुलर पावर कितनी है, आपका मसल साइज कितना है, और जो हेल्थ है वो आपके ओवरऑल एस्पेक्ट्स यानी कि मेंटल और फिजिकल एस्पेक्ट्स पे भी निर्भर करता है। उसके अलावा आपके इंटरनल ऑर्गन्स कितने फिट हैं वो भी हेल्थ के अंदर में आता है। अब आप ये फैसला करें कि आपको हेल्दी रहना है या कि फिट। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो दिखने में ऊपर से मोटे होते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत ही हेल्दी होते हैं, और ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जो दिखने में स्लिम ट्रिम पतले होते हैं लेकिन उनके अंदर से ऑर्गन्स जो हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते। मेरा ये वीडियो अगर यंग एज के लोग देख रहे हैं तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेरॉइड्स के पीछे ना भागें, और अगर मेरे ये वीडियोस मेरी एज के यानी कि 40s वाले लोग देख रहे हैं तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी डाइट हेल्दी रखें, आप अपने दिन में एक घंटा एक्सरसाइज के लिए निकालें और रूटीन में काम करते रहें, बॉडी बॉडी बनाने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जितने भी लोग ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, उनकी हमेशा एक ही एक्सक्यूज रहती है कि यार टाइम ही कहाँ है मेरे पास एक्सरसाइज करने के लिए। भाई, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, टाइम तो निकल ही जाएगा। मैं हर बार यही बात बोलता हूँ, जिस दिन आप हॉस्पिटल पहुँचोगे और डॉक्टर बोलेगा, उस दिन आपके पास टाइम ज़रूर निकल जाएगा। इसलिए प्लीज़ दिन में एक घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें और किसी भी किस्म की एक्सरसाइज करें, चाहे वो वॉकिंग है, रनिंग है, योगा है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एटलीस्ट टू बिगिन विद आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आखिरी में मैं यही कहना चाहता हूँ कि ऐसे सेलिब्रिटीज़ को, एक्टर्स को प्लीज़ ब्लाइंडली फॉलो मत करें, क्योंकि उनका ऐसा करने का कोई पर्पज़ है जो कि हमारी लाइफस्टाइल में बिल्कुल भी सूट नहीं करता। हाजिर हूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।